मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान महाराज, ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान फिरता ही देगा, पर इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था ये ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम मुझे अर्पित कर दो, भय से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, किसी को हो ना हो मुझको है। मनोबुद्धि अर्पित कर दो तुम मुझको। किसने कहा है ये जिसने स्वयं पितामह के बाणों से आहत होकर अपनी मनोबुद्धि खो दी थी? उसने कहा है ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार? शांत, गांधारी शांत, दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा ये सब है केवल बाहरी आडंबर मात्र, मैंने अच्छी तरह देखा था। और मुझे इन झूठे आडंबरों से नफरत थी, इसलिए मैंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा ली थी। कटु हो गई हो गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला। तुमने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, जिस ओर धर्म होगा ओ मूर्ख जय उस ओर होगी, परंतु धर्म कहीं नहीं था। सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित, और वो जिसे तुम प्रभु कहते हो उसने तो जब चाहा तब मर्यादा को अपने अनुसार बदल दिया। वंचक है वो धूर्त। शांत गांधारी शांत, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो तो लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर है माता गांधारी। माता मत कहो मुझे, तुम जिसे प्रभु कहते हो वो भी माता ही कहता है मुझे। शब्द ये जलती हुई लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धसता है। सत्रह दिनों के अंदर एक एक कर मेरे सारे पुत्र मारे गए। अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपने तलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। इसी आंचल से पोछा है मैंने सबका सिंदूर। जय हो दुर्योधन की जय हो, जय हो गांधारी की जय हो। मंदर हो, मैं परित्राश का मंदर हो। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, जीत गया। कौन संजय? नहीं मारा वृद्धयाचक संजय, लौट भी होते सब योद्धा अब शिविर जीता। कौन हारा कौन? मैंने कहा ना जीतेगा मेरा पुत्र दुर्योधन। मेरी ये आशा अंधी है तब भी जीतेगा मेरा पुत्र दुर्योधन ही। संशय मत कीजिए माता, संजय जो समाचार लाएंगे वो शुभ होगा। नगर द्वार अपना खुले ही है संजय के रहती प्रतीक्षा। माता आप जाकर विश्राम करें।